ये मार दिया बूस्ट, ये गाड़ी उड़ी हवा में और ये घूम रहा है और इतना क्यों घूम रहा है यार, सारे गाड़ी घूम रहा है, तो ये बेसिकली एक फिजेट स्पिनर है, गेम नहीं है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसफॉल्ट 9 के बारे में, जो कि फाइनली अभी हमारे एंड्रॉयड के लिए रिलीज हो चुका है, प्ले स्टोर में गेम आ चुका है। ऑलमोस्ट 1.7 GB का गेम है और बेसिकली ये एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऑलमोस्ट 6 महीने बाद आईफोन से ये गेम हमारे एंड्रॉयड में फाइनली आ गया है। तो जैसे कि अभी आप मेरा एंड्रॉयड वाला गेम प्ले देख रहे हो, 4 GB रैम वाला फ़ोन है तो उसका गेम प्ले है ये। और बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गेम में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, और कंप्लीट ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब कितने GB रैम के फ़ोन में हो तो ये गेम चलेगा, या फिर प्रोसेसर कौन सा चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसफॉल्ट सीरीज़ मोबाइल गेमर्स के लिए एक बहुत ही फेमस सीरीज़ है, मतलब जिन बंदों को गाड़ी रोड पे नहीं चलाना बल्कि हवा में उड़ाना है उनके लिए तो यार ये गेम परफेक्ट है। तो इस गेम का नाम है एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स, जो कि 9th एडिशन है एसफॉल्ट सीरीज़ का। एक्चुअली मैं 10वां एडिशन बोल सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले एसफॉल्ट एक्सट्रीम लॉन्च हुआ था। और एसफॉल्ट 8 एयरबोन एक्चुअली सबसे ज़्यादा अच्छा गेम है जितने भी एसफॉल्ट सीरीज़ है उनमें से, क्योंकि यार उसका ग्राफिक्स भी अच्छा है, गेम प्ले भी एक्शन पैक्ड कमाल धमाल है, और उसके साथ ही साथ जो मोशन और जो एड्रेनलिन रश है गेम का वो भी काफ़ी अच्छा है, और ऑप्टिमाइजेशन जो कि ज़रूरत होता है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस गेम के बारे में बात करूँ तो हालांकि गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है तो अपकमिंग अपडेट्स में शायद ये जो प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है ये फिक्स कर दे, लेकिन इस गेम का ऑप्टिमाइजेशन यार बहुत ही ज़्यादा घटिया है, लिटरली घटिया है। तो बेसिकली गेम लॉब जब इस गेम को ऑप्टिमाइज़ कर रहा था हमारे मोबाइल मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, तो उनका की जो फ़ोन था वो था 1+6। तो बेसिकली जिन लोगों के पास 6 GB रैम वाला 1+6 है उनको यार कोई शिकायत नहीं होगी इस गेम से, क्योंकि उनका गेम प्ले भी बढ़िया चलेगा, उसके साथ ही साथ ग्राफिक्स भी अच्छे आएंगे। और बेसिकली मैं अभी नोट 5 प्रो में खेल रहा हूँ और मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो ये है कि गेम में बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो एजेस है जो कार के सॉफ्ट एजेस है या फिर रोड के जो टेक्सचर्स है उनमें जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर एंटी अलाइजिंग या फिर एनाइसोट्रॉपिक फिल्टरिंग बिल्कुल भी नहीं डाला गया है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद ऑप्टिमाइजेशन उतना बढ़िया नहीं होता और गेम बहुत ही ज़्यादा लैग करता। तो इससे यार गेम बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, हालांकि आपको इस वीडियो से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन मुझे यार खेलते वक्त ये गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि गेम प्ले, यार गेम प्ले और ग्राफिक्स ये दोनों चीज़ गेम का काफ़ी अच्छा है, जो कि हमें आईफोन के गेम प्ले से ही पता चलता है, लेकिन जब इसका ग्राफिक्स जब एंड्रॉयड पे आता है तो उतना ज़्यादा सही नहीं लगता है कंपेयरिंग टू आईफोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्राफिक्स घटिया है, ग्राफिक्स अच्छा है लेकिन आईफोन के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और उसके साथ ही साथ अगर आप इस गेम को S9H जैसे अच्छे फ़ोन में भी खेलते हो जो कि ऑलमोस्ट 70,000 का आता है, तो उसमें इस गेम में आपको कोई मोशन ब्लर शो नहीं होगा। तो आई विश कि ये जो इशू है गेम लॉड बहुत जल्दी फिक्स कर देगा और इस गेम को 4 GB या फिर उससे भी कम रैम वाले डिवाइस के लिए अच्छी तरीके से हायर ग्राफिक्स में ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो गेम का ग्राफिक्स अच्छा है लेकिन हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए उतना ज़्यादा सही नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फ़ोन है तो भी आपका ग्राफिक्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा कंपेयरिंग टू आईफोन। उसके साथ ही साथ गेम का गेम प्ले मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस बार उन्होंने टच गेम प्ले ऐड किया है जो कि उतना ज़्यादा सही नहीं लगता, क्योंकि हम सालों से मोशन जो कंट्रोल है उसमें खेलते आए, तो मैं फिलहाल अभी भी मोशन में ही खेल रहा हूँ जो कि मज़ेदार है। और मेरे ख्याल से यार इस गेम का एसफॉल्ट 9 नाम नहीं देना चाहिए था एक्सट्रीम की तरह, अगर और कोई स्पिन ऑफ दे देते एसफॉल्ट लेजेंड्स ही रहने देते तो ही सही था। 9 से और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, जो कि हमें इस गेम में नहीं मिला। मेरे ख्याल से यार एसफॉल्ट सीरीज़ में एसफॉल्ट 8 ही अब तक सबसे बढ़िया गेम रहा है, और क्योंकि वो उस गेम के ऊपर काम करते हैं, अपडेट करते रहते हैं ऑलमोस्ट वीकली, तो वो गेम यार मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है। हालांकि इस गेम में जो क्रैशिंग ऑप्शंस है जैसे कि अभी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ग्राफिक्स भी अच्छा है, लेकिन फिर भी। तो चलिए यार अब फाइनली बात करते हैं गेम के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो अगर आपके पास 2 GB रैम वाला डिवाइस है ट्राई मत करो, अगर आपके पास 3 GB रैम वाला डिवाइस है विथ स्नैपड्रैगन का कोई 625 या फिर 636 प्रोसेसर तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ कि गेम आप
आपके फ़ोन में चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपके पास 4 GB रैम वाला डिवाइस है तो उसमें आप ये गेम खेल सकते हो मेरी तरह टट्टी क्वालिटी ग्राफिक्स में। और ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो ये मैं हाईएस्ट ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ फुल HD में। तो अब फाइनली बात करते हैं गेम कितना चलेगा या फिर कितना लोगों को पसंद आएगा। तो मुझे यार गेम पसंद आया भी और नहीं आया भी, मतलब मैं खुद यार थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि गेम प्ले अच्छा है लेकिन ऑप्टिमाइज ना होने के कारण मुझे ये गेम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और एक और बड़ी बात है, अगर 6 महीने पहले एसफॉल्ट मतलब गेम लॉफ्ट ये गेम लॉन्च कर देता तो सही रहता, क्योंकि अभी हम सभी गेमर्स यार पबजी को लेके इतना ज़्यादा खोए हुए रहते हैं कि और कोई गेम दिखता भी नहीं है। मैं यार मतलब फीफा प्लेयर था तो मैंने वो गेम भी छोड़ दिया। जो बंदे COC खेलते थे जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग गेम था, वो भी पिछले कुछ महीनों में अपना 10 मिलियन यूज़र रेट खो चुका है। और ये काफ़ी अजीब सी बात है क्योंकि एक गेम मार्केट में लॉन्च हुआ और सारे गेम्स को खा गया। तो भाई अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप इस गेम के ऊपर 1.8 GB डेटा वेस्ट करोगे या फिर जो पबजी है उसके साथ ही जाओगे। तो नीचे लिखो मुझे कमेंट सेक्शन में, और मुझे भी जान के खुशी होगी कि आप क्या करना चाहोगे। उसके साथ ही साथ आपका फेवरेट एसफॉल्ट गेम क्या है वो भी मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करो। और पर्सनली यार अगर मुझे पूछोगे तो अभी भी इस गेम को खेलने के बाद तो डेफिनेटली एसफॉल्ट 8 ही मेरा पर्सनल फेवरेट रेसिंग गेम है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और मैंने जो मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स था वो भी मेंशन कर दिया, तो इससे आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे हिट करो और लाइक करो। उसके साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप वो लाल वाले बटन को प्रेस करो, और उसके साथ ही साथ मेक श्योर कि जो घंटे का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय।